हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा मैं फ्लोटिंग स्टेज टैप्स कैसे उसको कराते हैं और कैसे वो बनाते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि फ्लोरिंग लेवल होता है, ये आपका पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया फिर स्टेयरकेस, ठीक है, स्टेयरकेस हो गया ये। तो इसमें सबसे पहले देखना है कि जो रोड लेवल है, ये रोड लेवल है, ठीक है। तो रोड लेवल से हमें फ्लोरिंग का लेवल क्या रखना है, फ्लोरिंग आपका ये वाला होगा प्लिंथ एरिया, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, स्टेयर केस या फिर एंटर केस, एंट्री या फिर लॉबी इसको बोल सकते हैं, तो लॉबी भी आ जाए। तो ये आपका क्या होगा, स्टेयर केस हो गया। तो इधर आने पर ये आपका फ्लोरिंग हो गई आपकी, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये फ्लोरिंग एरिया, ये वाला स्टेयर केस का ये फुटिंग है, स्टेयर केस की फुटिंग। तो ये फुटिंग स्टेयर केस के नीचे तक गया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं, ये वाला जो स्टेप्स हैं, ये नीचे जाएगा उसके अंदर, नीचे ये फर्स्ट स्टेप बन जाएगा, फिर सेकंड स्टेप ये बन जाएगा, ये आपकी लैंडिंग आ जाएगी जो फ्लोरिंग के अंदर जाता है, मेन एंट्रेंस के अंदर। उसके बाद ये फ्लोटिंग जो स्टेयर्स आता है इस तरह से आएंगे, ठीक है। तो ये जो बनती है इसमें भी रिंग्स, जस्ट ओनली इसमें क्या बनते हैं, रिंग्स बनाते हैं। इसके मैंने रिइंफोर्समेंट ड्राइंग वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसमें क्या बनते हैं, रिंग्स बनते हैं ऐसे रिंग बनेगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों साइड में रिंग बनते हैं। फिर उसके बाद चार सरिये इसमें अंदर बन जाते हैं बीम की तरह, ठीक है। जैसे ये आप चौकोर देख रहे हैं चीज़, तो यहाँ पे क्या बन जाती है, बीम बन जाती है रिइंफोर्समेंट उसका। एक सरिया यहाँ पर जाता है, एक सरिया इधर आ जाता है, एक सरिया ऊपर, एक सरिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तीन सरिया मिनिमम आ जाते हैं। तो ये आपके रिंग्स आ जाते हैं, यहाँ पर रिंग बन जाएगा, एक रिंग ऐसे बनेगा, एक रिंग ऐसे बनेगा। तो रिंग पे ही आपकी बीम चलता रहता है, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग स्टेज इस तरह से बनता है। तो जैसे कि ब्रिक वर्क देख रहे हैं, कोई उसमें जो आपके स्टेयर केस है ब्रिक वर्क के अंदर नहीं है, जस्ट ये फ्लोटिंग है। तो बस ये स्टेयर केस अपने एक चैन के अंदर बना हुआ है, ये बीम के अंदर बना देते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको क्या करेगा, कुछ इसका शटरिंग वेटरिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो मैं इसके शटरिंग को दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट में फुटिंग बनाएंगे, उसके बाद फर्स्ट जो स्टेयरकेस फर्स्ट स्टेप शुरू होता है वहाँ पे फुटिंग करने बाद इस तरह से फट्टे से या किसी चीज़ की सहायता से इसको शटरिंग प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, जस्ट ओनली फट्टे की सहायता से शटरिंग इसमें प्रोवाइड हुई है। तो फिर आगे मैं दिखाता हूँ आपको इस तरह से आगे ऊपर शटरिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से शटरिंग प्रोवाइड हुई है फ्लोटिंग स्टेयरकेस की। फ्लोटिंग इस तरह से आते हैं, एक दो सिंपल स्टेप टाइप से आता है, फिर इस तरह से भी आता है यूटर्न। ये यूटर्न में है, जैसे कि इसको अड्डे कैसे चढ़ाते हैं, इस तरह चढ़ाते हैं ये, क्या पे लैंडिंग के ऊपर क्या आता है, टू स्टेप्स में जैक टाइप में जाता है। जैसे कि अभी कम जगह में कम स्टेप्स बन जाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे फ्लोटिंग स्टेज टाइप्स में, जैसे कि ये जो है यू टर्न टाइप्स स्टेज केस हैं। तो इसमें फ्लोटिंग किस्म की आ जाती है, आपकी लैंडिंग टू आती है, अगर यू टर्न में है तो टू आती है लैंडिंग, अगर डॉग लेग स्टेयर है तो उसमें लैंडिंग वन आती है। तो यू टर्न शेप में है ये यू टर्न, ठीक है। तो मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, टॉप व्यू में आपको इस तरह से शो नज़र आएगा, फर्स्ट फ्लाइट, सेकंड फ्लाइट एंड थर्ड फ्लाइट। इसमें थर्ड तीन फ्लाइट आती है यू टर्न शेप में, अगर डॉग लेग स्टेयर्स है तो उसमें टू फ्लाइट्स आती हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यू देख रहे हैं वहाँ पे कम स्टेयर्स की जगह के अकॉर्डिंग, जैसे कि इसकी विड्थ एंड ब्रेथ कम है तो इसकी अकॉर्डिंग, तो उसमें आपका टू स्टेप्स उसमें कर जाते हैं इसमें ट्रायंगल शेप में, ठीक है। तो आप रेक्टेंगल रहेगा तो रेक्टेंगल शेप में, जो इसकी विड्थ रहती है 3 फीट 3 इंच या फिर 1 मीटर इसको बोल सकते हैं, जो भी आपका एज पर ड्राइंग या फिर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सेकंड आपका ही फ्लोरिंग हो, फर्स्ट फ्लोर आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया एंड ये फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर पे जब हम करते हैं तो यहाँ पे इसके स्टेयरकेस के नीचे आपको स्टोरेज के लिए भी दे सकते हैं इसको नीचे, ठीक है। तो कुछ भी आप स्टोरेज के लिए लगा सकते हैं, हम नीचे स्टोरेज का काम आ गया है, ये आपकी लैंडिंग हो गई है। सो फर्स्ट आपका ये फर्स्ट फ्लोर के बाद आपका ये फ्लाइट आ गया, फर्स्ट फ्लाइट सेम अकॉर्डिंग ग्राउंड फ्लोर। तो फर्स्ट स्टेप्स जहाँ पे स्टार्ट होता है वो भी आपको देखना है कि फर्स्ट स्टेप हमें कितने डिस्टेंस पे रहेगा, जैसे कि ये आपको मेन एंट्रेंस है, एंट्रेंस से जितना डिस्टेंस ये रहेगा सेम डिस्टेंस ऐसे ही ग्राउंड फ्लोर के अंदर रखते हैं, तो ठीक है। तो इस तरह से इसका एंट्रेंस रहता है। यहाँ पे क्या करते हैं, बीम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे टोटल क्या है, बीम प्रोवाइड हुई है यहाँ पे इसके अंदर पूरी एक बीम रिंग्स के टाइप्स में जो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, पूरी जो लैंडिंग है लैंडिंग के अंदर एक पूरी बीम प्रोवाइड हुई है। उसका लोड क्या करते हैं, एक बीम ऐसे प्रोवाइड करती है, हिडन बीम, फ्लैट बीम। तो ये अब क्या क्या आएगा, लैंडिंग स्लैब के अंदर एक फ्लैट बीम आएगी ऐसे इस तरह से। तो ये टोटल लोड जो स्टेयर केस का जो लोड ट्रांसफर जो लोड डिफेक्ट कर रहा है वो आपका बीम के ऊपर डिफेक्ट करता है, बीम जो लोड होता है ट्रांसफर बीम के ऊपर लोड ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टेप्स चढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका दो स्टेप्स बन जाते हैं इस तरह से। और ये भी आपका थिकनेस जो मिनिमम रहती है ये 100 mm की थिकनेस, 100 mm हो गई एंड 250 + 175।
तो इस तरह से स्टेयर केस की जो फर्स्ट फ्लाइट की स्टेयर केस की हो गया एंड आपका सेकंड शटरिंग इस तरह से प्रोवाइड हो गई है। जैसे कि ये आपका चैनल से लगा देते हैं, चैनल से लगाने के बाद इस तरह से शटरिंग लगा देते हैं इसमें, जैसे फट्टे की शटरिंग से हुई है टोटल ब्रिक वर्क। एंड इसका कास्टिंग करते हैं टोटल आरसीसी है, टोटल आरसीसी है ये, इसमें कोई ब्रिक वर्क नहीं है एंड ठीक है। तो इसमें फट्टा लगाने के बाद इसमें कंक्रीटिंग कर देंगे वह थिकनेस करते हुए चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट हमने कंक्रीटिंग की, उसके बाद यहाँ पे हमने सेटरिंग लगा दी, सेटरिंग लगाने के बाद फिर हमने यहाँ पे टॉप तक कंक्रीटिंग कर दी, उसके बाद फिर सेटरिंग लगाते चले जाते हैं ठीक है। तो इस तरह से सेटरिंग लगाने के बाद जैसे वॉल है तो वॉल के ऊपर हमने एक चैनल प्रोवाइड कर दिया यहाँ से नीचे। तो सेकेंड फ्लाइट एक दिन के अंदर मिनिमम ये दो फ्लाइट तक जाता है, उसके बाद सेकेंड वर्किंग डे में इसके वजह से लगा देते हैं ठीक है। तो ये आपका फट्टे हो गए नीचे और ये आपका ब्रेक वर्क ठीक है। तो इस तरह से आपका टॉप व्यू चलता रहता है सेटरिंग प्रोवाइड कर, उसके बाद फिर ये आपके लैंडिंग आ जाती है ऊपर टॉप पर। टॉप पर लैंडिंग आने के बाद फिर ये आपका मम्टी, तो यहाँ से एक मम्टी आ जाती है इस तरह से। आप यहाँ पे स्टेयर के स्टोरेज के लिए काम आ जाता है, ये आपका एंट्रेंस के आ जाते हैं बालकनी के अंदर, और या के फ्यूचर में कोई स्टेयर चढ़ाएगा तो इस तरह से ये आपका इस तरह से आ जाता है ठीक है। तो मम्टी की हाइट मिनिमम जो आपका रिकॉर्डिंग मिनिमम 7 फीट तक या फिर 8 फीट तक मिनिमम रख सकते हैं विंडोज एंट्रेंस क्लियरेंस के लिए। तो बस कुछ बेसिक्स पॉइंट जो मैंने शेयर किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने हमारे साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।